So what do you finish in the last class? What do you finish in the last class? I hope you can able to hear me. Am I audible to all? Is my voice is clear? Awaaz clear hai? इको नहीं हो रहा है ना? प्रगति नहीं. ओके डन. एकता ब्लर क्यों हो रहा है आज ये? ओके Can anybody tell me what we finished in the last class? पिछले क्लास में हमने क्या खत्म किया था? Sinoatrial node खत्म किया ना? AVN, SAN हुआ? No. ओके ठीक है. डन. सो गुड आफ्टरनून टू ऑल. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था SAN. Am I right? Now, SAN में हमने क्या देखा था? इसका फुल फॉर्म है साइनोएट्रियल नोड. साइनोएट्रियल नोड. सेकेंड, इसके दो अलग अलग नाम है. Am I right? पेसमेकर, इसका और एक ऑल्सो नोन एज पेसमेकर. इसका और एक नाम है हार्ट ऑफ हार्ट. आई होप इट इज विजिबल टू ऑल. विजिबल है या नहीं? इज इट विजिबल टू ऑल? यस. अच्छा ना. सेकेंड, ये करता क्या है? इट जनरेट्स इंपल्स. एम आई राइट और रॉन्ग? इट जनरेट्स इंपल्स. सो SAN जनरेट्स इंपल्स और यू से स्टिम्यूलस और इन सिंपल वर्ड्स मैसेज. सिंपल वर्ड में ये क्या जनरेट करता है? ये क्या बनाता है? मैसेज बनाता है. इंपल्स, रिमेंबर, मैसेज फॉर हार्ट बीट. फॉर हार्ट बीट. और कितनी रेट पर? एट द रेट 72 टाइम्स पर मिनट. तो ये 72 मैसेज बना रहा है एक मिनट में. 72 इंपल्स बना रहा है एक मिनट में. सो इट इज जनरेटिंग 72 इंपल्स और स्टिमुलस. इसीलिए एक मिनट में कितने हार्ट बीट होते हैं? 72. एम आई क्लियर टू ऑल? एम आई क्लियर टू ऑल? यस. अच्छा, अब हमने और एक बात पढ़ी थी. वेयर इट इज प्रेजेंट? ये कहां प्रेजेंट है? SAN इन द राइट एट्रियम. प्रेजेंट इन राइट एट्रियम.
बिलो द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेन आकावा, बिलो द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेन आकावा, करेक्ट है, नियर यूस्टैचियल वैल्व, सुपीरियर वेना कावा के ओपनिंग के नीचे यूस्टैचियन के वैल्व के नजदीक राइट एट्रियम में ये प्रेजेंट है. सो दिस इज ऑल अबाउट एसएएन. अब डायग्राम को देखकर आपको पढ़ना है. डायग्राम ऑलरेडी स्टार्ट हमने ये किया था, ड्रॉ किया हुआ है. एम आई क्लियर टू ऑल? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर टू ऑल? यस. कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है तो पूछ लो. वीडियो ब्रेक हो रहा है? नहीं, आई डोंट थिंक सो. नो ना, नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा ऐसा आपका, थोड़ा चेक कर लो. नो डाउट्स? प्रगति, एकता, नो प्रॉब्लम्स? ठीक है. नाउ इन दिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज पीयूसी बोर्ड वन मार्क क्वेश्चन एज वेल एज ए नीट क्वेश्चन. दिस इज नीट क्वेश्चन. दिस इज पीयूसी बोर्ड वन मार्क क्वेश्चन. ये तीनों इंपॉर्टेंट है. सो फुल फॉर्म ऑफ एसएएन इज साइनोएट्रियल नोड, ऑल्सो नोन एज स्पेस मेकर. रिमेंबर इट इज ऑल्सो नोन एज हार्ट ऑफ हार्ट. अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्पेस मेकर? बिकॉज एसएएन जनरेट्स इंपल्स स्टिमुलस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्पेस मेकर. कुछ डाउट्स नहीं है ना? कुछ प्रॉब्लम है? ठीक है, अब आते हैं आगे, उसके आगे. Let's see now about AVN. Now, AVN क्या है? Auriculo ventricular node, or you say atrio ventricular node. ये उसका full form है. SAN sinoatrial node. This is atrio ventricular node. This is the second nodal tissue. Second nodal tissue. I hope you remember. मैंने क्या बोला था? Heart में nodal tissue है. पहला nodal tissue हुआ SAN. ये दूसरा nodal tissue है. And present in right atrium. ये भी राइट एट्रियम में है. दिस इज ऑल्सो राइट एट्रियम बट नियर द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस. नियर द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस. Any doubts to understand? Diagram को देखो तो समझ में आता है. Any problem to understand? Diagram में देखते रहो, ठीक है? Look at the diagram, look at the sentence. Clear?
ठीक है। अच्छा अब एक कर्ता क्या है, देखो एक कर्ता क्या है, इट कंडक्ट्स द इंपल्स, एवियन कंडक्ट्स इंपल्स टू द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स, कंडक्ट मतलब भेजना, तो ये मैसेज किसको भेज रहा है, टू द वॉल ऑफ वेंट्रिकल को मैसेज भेज रहा है, सो इट इज सेंडिंग द मैसेज टू द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स। अब क्वेश्चन आता है क्या ये खुद मैसेज बनाता है, बिकॉज SAN खुद मैसेज बना रहा था, am I right? SAN generates its own message. Whether AVN also generates its own message? No. Impulse which is picked from SAN. तो सिंपल सी बात है, SAN मैसेज बना रहा है, उसी मैसेज को अब कौन पिक करेगा, AVN पकड़ेगा, AVN पिक करेगा, पकड़कर पिक कर ये पास करेगा किसको, टू द वॉल ऑफ वेंट्रिकल को। एम आई क्लियर टू ऑल? तो बात समझ में आ रही है, आई होप सो। SAN मैसेज बनाएगा और उसी मैसेज को कौन पकड़ रहा है, हु इज पिकिंग इट, AVN, एंड AVN उस मैसेज को पास करेगा टू द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स। एम आई क्लियर टू ऑल? ठीक है। अब सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन मोर पॉइंट वी नीड टू रिमेंबर हियर, AVN इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन बिटवीन, AVN इज एन इंपॉर्टेंट कनेक्शन बिटवीन SAN एंड रिमेंबर एंड bundle of his, it is a important connection between SAN and bundle of his. So इसका मतलब क्या हुआ, SAN और bundle of his के बीच में कौन है, AVN is present, ठीक है। So you see here SAN, below SAN AVN, below AVN bundle of his, एंड बिलो बंडल ऑफ हिस परकिंजे फाइबर्स, तो SAN और बंडल ऑफ हिस के बीच में कौन है, AVN है, सो इंपॉर्टेंट कनेक्शन बिटवीन SAN एंड बंडल ऑफ हिस। इज देर एनी डाउट टू अंडरस्टैंड, इज देर एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड, बुशरा नो प्रॉब्लम, प्रीति एकता सुवर्णा नो प्रॉब्लम, तनुजा प्रगति नो, ठीक है, नो डाउट्स, एनीबडी वांट मी टू रिवाइज एनीथिंग फ्रॉम दिस, कुछ रिवाइज करना है, क्लियर है ना, लेट्स सी। अब इसके आगे सर आफ्टरवर्ड सेंड रिकॉर्ड, हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, आई विल सेंड इट नाउ, लेट्स सी। अब थर्ड वन, बंडल ऑफ हिस, कौन है, बंडल ऑफ हिस है या परकिंजे फाइबर से, थर्ड वन कौन है, बंडल ऑफ हिस है, करेक्ट है, हिस है ना,
Am I right? Let's see. Third one. Bundle of S. From the AVN, specialized bundle of muscles arises. And are called as bundle of his. तो आप देखो AVN से special bundle of muscles arise हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, bundle of his बोल रहे हैं। आप देख सकते हो डायग्राम में, is it visible in the diagram? है ना, AVN से ही आ रहे हैं ना वो बंडल मसल, AVN से ही आ रहे कि नहीं, AVN से आ रहे हैं ना। ओके ना, अब नेक्स्ट क्या है देखो, अब ये बंडल ऑफ हिस कहां से कहां जा रहा है। सो बंडल ऑफ हिस रन्स फ्रॉम anterior of ventricular septum or you say interventricular septum, ventricular septum के ऊपर से। As you can see it in the diagram. Is it visible in the diagram? ऊपर से नीचे आ रहा है ना? Am I right or wrong? Yes. So anterior मतलब ऊपर. From the anterior of interventricular septum and then divides. अब वो डिवाइड हो रहा है, देन डिवाइड्स एंड फॉर्म्स राइट एंड लेफ्ट ब्रांच, लेफ्ट ब्रांचेस कॉल्ड परकिंजे फाइबर्स। अब उन पांच को क्या बोलेंगे, परकिंजे फाइबर्स। सेंटेंस को पढ़ो, अगर कुछ डाउट्स है डायग्राम में देखो, अगर कुछ डाउट्स है तो आस्क मी द डाउट। इफ देयर इज एनी डाउट एनी प्रॉब्लम आस्क मी। डायग्राम, सी द डायग्राम, सी द सेंटेंस एंड कंफर्म इट। वो भी सर, नो डाउट। आयशा, अंजुम, प्रीति, तनुजा, मुजक्किर, सादिक, सामिया, नो प्रॉब्लम। कुरतुलेन, नो प्रॉब्लम। लैबा, नो प्रॉब्लम। अलमास, ऐश्वर्या, नो प्रॉब्लम। सादिया, प्रगति, नो डाउट। ठीक है ना, ठीक है, देन गुड। डायग्राम को देखो, सेंटेंस को पढ़ो तो समझ में आता है ना। दिस परकिंजे फाइबर्स, अब है क्या देखो, परकिंजे फाइबर्स आर कनेक्टेड टू मसल्स ऑफ द हार्ट एंड दिस परकिंजे फाइबर्स आर कनेक्टेड टू मसल्स ऑफ द हार्ट। मतलब दे आर कनेक्टेड टू मायोकार्डियम। आई होप यू रिमेंबर थ्री लेयर्स ऑफ द हार्ट, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम।
और ये मायोकार्डियम जो है इट इज मेड अप ऑफ मसल्स. सो दिस इज व्हाट द नोडल टिश्यू प्रेजेंट इन द हार्ट. सो चार नोडल टिश्यू पढ़े हमने, SAN, AVN, बंडल ऑफ इस एंड फाइनली परकिंजे फाइबर्स. इसमें से मसल्स को कौन कनेक्टेड है? दैट इज परकिंजे फाइबर्स. कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है तो क्लियर कर लो. कुछ नहीं है? अच्छा, अब यू अंडरस्टैंड समथिंग. हम क्या पढ़ रहे थे मैं आपको याद दिला देता हूं. हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कैसे होता है हम ये पढ़ रहे थे. राइट, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स को हम क्या बोलते हैं? हार्ट बीट बोलते हैं. करेक्ट है? तो हम पढ़ रहे थे हार्ट बीट कैसे बनता है. ठीक है, अब दूसरा, हार्ट बीट एक बार बनकर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होकर रुकता नहीं, कंटिन्यूअसली चलता रहता है, ये कैसे होता है हम ये पढ़ रहे थे इस टॉपिक में. अब हमको पता चला हार्ट बीट, हार्ट साइकिल के लिए एक नोडल टिश्यू है जो हार्ट में ही है. नोडल टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है जो हार्ट में ही है. नोडल टिश्यू की वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है, हमको यह पता चला. फिर हमने देखा वो नोडल टिश्यू कौन है जो हार्ट बीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो नोडल टिश्यू कौन है, हमने ये देखा. अब हमें पता चला चार नोडल टिश्यू है, SAN, AVN, बंडल ऑफ इस, परकिंजे फाइबर्स. यहां तक हमने अब तक पढ़ा है. एम आई क्लियर टू ऑल? यस, हमने यहां तक पढ़ा. किसी को डाउट है? ठीक है, अब देखो ना. गुड, अब हार्ट में कौन रिस्पॉन्सिबल है? SAN, AVN, बंडल ऑफ इस, परकिंजे फाइबर्स, और इनके बारे में हमने देखा वेयर दे आर प्रेजेंट, व्हाट दे डू. अब क्वेश्चन आता है हाउ इंपल्स इज जनरेटेड, इंपल्स कैसे बनता है. अगर इंपल्स बनेगा तो हार्ट बीट होगा, हमारे इंपल्स बनेगा तो हार्ट बीट होगा. तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इंपल्स इज जनरेटेड एंड हाउ कार्डियक साइकिल हार्ट बीट टेक्स प्लेस. सो नेक्स्ट, हाउ इंपल्स इज जनरेटेड. How impulse is generated? Am I right? Now let's understand how impulse is generated. पहले अब हमें हार्ट में कौन है, कौन क्या कर रहा है सब मालूम है. ठीक है, अच्छा बिफोर दैट वन मोर थिंग. आज आपका केमिस्ट्री क्लास हुआ, आई होप यू अंडरस्टूड कि आज उन्होंने आपको कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है और कितने कैसे पूछा जाता है. वन मार्क को पूछा जाता है, टू मार्क को पूछा जाता है, थ्री मार्क्स को पूछा जाता है, फाइव मार्क्स को पूछा जाता है, ये बताया उन्होंने सर ने आज आपको. क्या समझ में आया आपको? रिप्लाई मी वंस. आपको पता चला? यस नहीं? ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर. वो आपको कंटिन्यूअसली पढ़ाएंगे. ऑफलाइन हो गया ना तो आपके सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी हुए हैं नहीं हुए वो सब रिपीट कर भी देंगे आपको. यू डोंट वरी, डन. ठीक है, अच्छा लेट्स बैक टू बायोलॉजी. तो हाउ इंपल्स इज जनरेटेड. अब क्या होता है देखो, व्हेन
ट्राइकस्पिड, ट्राई एंड बाइकस्पिड वेल ओपन। अब हार्ट के डायग्राम को देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल ओपन होंगे, इनको और एक नाम क्या है, एवी वेल्व्स, एम आई राइट, एवी वेल्व्स, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है ये। जब ये ओपन होंगे, ब्लड फ्लोस, रिमेंबर ब्लड फ्लो होगा इनटू वेंट्रिकल्स, ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा फ्रॉम रिस्पेक्टिव एट्रिया। यानी राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड फ्लो होगा। सेकेंड, अब क्या होगा देखो, एट दिस टाइम सेमिलूनर वाल्व्स आर क्लोज्ड, एट दिस टाइम सेमिलूनर वाल्व्स आर क्लोज्ड, सेमिलूनर वाल्व्स क्लोज्ड है। कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो जल्दी से, इज देयर एनी डाउट टू अंडरस्टैंड, इज इट क्लियर टू ऑल, नो। सो जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन होंगे तो राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल को ब्लड जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से सॉरी लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड जाएगा, करेक्ट है, एम आई राइट। अब देखो क्या होगा, नाउ एसएएम जनरेट्स इंपल्स, नाउ एसएएम जनरेट्स इंपल्स और यू से स्टिमुलस, स्टिमुलस एट द रेट 0.3 मीटर्स पर सेकेंड, और इंपल्स की स्पीड क्या है 0.3 मीटर्स पर सेकेंड, विच इज वेरी स्लो, लो, बहुत लो है, बहुत कम है, बट वो जनरेट कर रहा है इंपल्स को। नाउ अब इंपल्स ने बनाया, एसएएम ने इंपल्स बनाया, मैसेज बनाया, अब क्या होगा देखो, थर्ड पॉइंट, द इंपल्स, द इंपल्स इज ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड टू द वॉल ऑफ एट्रिया। You understand very importantly, atria only. जो मैसेज SEN बना रहा है वो सिर्फ वॉल ऑफ एट्रिया को जा रहा है, वॉल ऑफ एट्रिया या एट्रिया के वॉल को जा रहा है, नॉट द वॉल ऑफ वेंट्रिकल, ओनली टू वॉल ऑफ एट्रिया। एम आई क्लियर टू ऑल, एम आई क्लियर टू ऑल, क्लियर है, याद रखना एसएएन जो इंपल्स मैसेज बना रहा है वो किसको जा रहा है, टू हूम इट इज गोइंग, द मैसेज इज ट्रांसफर ओनली टू वॉल ऑफ एट्रिया, हाँ दिस इज वॉल ऑफ एट्रिया, दिस इज यूनिट रिमेंबर, ठीक है। नाउ नाउ एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट्स, अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे, आपको याद है सेल साइकिल में, सॉरी कार्डियक साइकिल, हार्ट साइकिल में पहले कौन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, एट्रिया ना, फर्स्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट्स, करेक्ट है, तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट
more blood flows into the ventricles. That is 30% of blood. More 30% of blood flows into ventricles. कुछ doubts है? पढ़ लो एक बार. कुछ doubts है तो clear करते हैं. Read once. If you have any doubt, I'll clarify it. 70% तो पहले से ही भरा ना. जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व खुल रहा खुले हुए थे तभी ब्लड ऑलरेडी वेंट्रिकल में गया था. 70% तो पहले ही भरे हुए हैं वेंट्रिकल्स. अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने से वो 30% ब्लड भी नीचे चला जाएगा. क्लियर क्लियर. अच्छा इसको मैं अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा. अब नेक्स्ट क्या हो देखो देखो दिस सेम सिग्नल और मैसेज और इंपल्स इज पिक्ड बाय एवीएम. The same signal or impulse is picked by AVM. Message किसने बनाया? SAN ने. उसकी वजह से atria contract हुए. अब वही message कौन pick कर रहा है? AVM pick कर रहा है. सेम मैसेज इज इंपल्स पिक्ड बाय एवीएम एंड ट्रांसफर इट टू दी वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स. अब वही मैसेज वेंट्रिकल्स को भेज रहा है थ्रू bundle of his and Purkinje fibers. Am I clear to all? Am I clear to all? Clear? Acha. Now see. As a result, the ventricles contract. As a result, the ventricles contract and the blood is pumped out of the हार्ट. इसकी वजह से ब्लड हार्ट से बाहर चला जाएगा वेंट्रिकल से बाहर चला जाएगा मतलब aorta में और पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा. सेकेंड ये जो मैसेज स्प्रेड हुआ था इसका स्पीड क्या है. द सिग्नल इज स्प्रेड यानी ट्रांसफर्ड एट द रेट ऑफ 4 meters per second. इट इज वेरी फास्ट 4 meters per second. तो ये बहुत फास्ट होता है. वहां कितना था SAN का सिग्नल कितना था 0.3 seconds. तो अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए अब हार्ट बाहर चला गया सॉरी ब्लड बाहर चला गया. अब एट दिस टाइम इस वक्त
tricuspid bicuspid valve during ventricular contraction, tricuspid और bicuspid valve close हो जाएंगे, am I right? तो sound कौन सा आता है? Lung. और कौन open रहेगा? Semilunar valves open रहेंगे, जो already हमने पढ़ा है. अब बताओ कुछ doubts है तो. अब बताओ कुछ डाउट्स है तो. नो नो डाउट्स नो सी नाउ आई विल टेल यू समथिंग हियर. दिस इज अ हार्ट एट्रिया वेंट्रिकल. ये एट्रिया है या वेंट्रिकल है? एसएन सिग्नल बनाएगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट्स. अब सेम मैसेज कौन पिक करेगा? एवीएल. और कहां भेजेगा? वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स. सो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट. देन वंस ब्लड गोज आउट बोथ दे रिलैक्स. यही तो हार्ट बीट है ना. एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स. एम आई राइट? सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट? हु इज रिस्पॉन्सिबल? नोडल टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल. हु आर द नोडल टिश्यू? SAN, AVN, bundle of his Purkinje fibers. इनमें से pacemaker कौन है? SAN. Heart of the heart कौन है? SAN. ठीक है. अब this is what called as cardiac conduction system और origin of heartbeat. ये 5 marks को with diagram आपको entire question पूछा जाएगा for 5 marks. It's a very important 5 mark question. With the diagram you have to solve. ये कौन है? Is that you? किसी ने अपना नाम बदलकर is that you रखा है. Who's that? See, आप अपने रियल नेम से क्लास को एंटर हो जाओ, वरना आई विल जस्ट प्रिवेंट यू फ्रॉम एंटरिंग द क्लास. कोई एमेंजर रखता है, कोई इज दैट यू रख रहा है, पता नहीं आपका नाम बोलने में क्यों शर्म आ रही है आपको. माँ बाप ने इतना प्यारा नाम दिया है. जेठालाल भी रखे थे. माँ बाप का दिया हुआ नाम पसंद नहीं क्या? यू बेटर चेंज योर नेम एंड कीप इट ओरिजिनल नेम. टेलिंग यू नाउ ओनली. वरना जेठालाल, एवेंजर, स्पाइडरमैन, इन सबको बाहर निकाल दूंगा क्लास से. स्ट्रेट अवे टेलिंग यू. बेटर यू चेंज इट इन द नेक्स्ट क्लास. Is that clear? दाऊद इब्राहिम भी है. वेरी गुड. कौन है यार दाऊद इब्राहिम? आई जस्ट चेक इट आउट. आज चेक करता हूं, रुको. फोन नंबर मेरे पास है और यहां तो लॉगिन आईडी तो मेरे पास है ही. आई जस्ट चेक इट आउट. किसने दाऊद इब्राहिम रखा है? क्या है? से इतने मां बाप ने इतने प्यार से नाम रखा है, उसको छोड़कर जेठालाल बोलते हैं, एवेंजर बोलते हैं. कुछ डाउट्स है? अच्छा, आई विल गिव यू 2 more minutes. जस्ट रीड इट वंस. ठीक है, एक बार पढ़ लो आप. अगर कुछ फिर भी आपको डाउट है तो क्लियर कर लो. बस हम यहां क्या पढ़ रहे हैं? हार्ट कैसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है और कौन उसको बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने को. रीड द कंसेप्ट वंस. 3 to 4 minutes आई गिव यू टाइम. रीड वंस. इफ यू हैव एनी डाउट्स क्लियरिफाइड. दीबा, अच्छा, नाइस टू सी योर मैसेज दीबा. अटेंडिंग क्लासेस ना दीबा? यस. एंड टू एवरीवन आई एम टेलिंग, डोंट वरी अबाउट योर फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन. वी आर देयर टू हेल्प यू. ठीक है, लॉकडाउन होने दो, कुछ भी होने दो, वी आर देयर टू हेल्प यू.
and definitely we all will help you. Don't worry about it. Just learn the subject. No doubts? पढ़ लो एक बार ठीक से, रीड इट प्रॉपरली, ठीक है, ठीक से पढ़ो. कुछ भी डाउट है, वर्ड टू वर्ड डाउट है तो भी आई विल क्लेरिफाई, डोंट वरी. मरियम सॉरी, कल आपने फोन किया था बट आई वॉज नॉट वेल कंप्लीटली, मैं सो गया था, पूरा दुरक दिन पूरा सोकर निकाला मैंने. आई कॉल यू बैक. नो डाउट बुशरा, मरियम नहीं, मारिया, लैबा, आयशा, सामिया, नो डाउट, सादिक, मुजक्किर, सुहा, नो डाउट. सच में नो डाउट. अच्छा बताओ, मेरी सब्जेक्ट में डाउट नहीं है या सभी के सब्जेक्ट में डाउट नहीं है? नो, ठीक है, देन फाइन. अगर आपके समझ में आ रहे हैं तो आई एम रियली हैप्पी. चलो हम नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग भी है. यह हमने हमेशा हॉस्पिटल्स में देखा है. अच्छा, हमने एक वर्ड बहुत कॉमनली देखा है, ठीक है, हम हॉस्पिटल जाते हैं, देख, सुना है इसका नाम, ईसीजी सुना है? यस. तो फुल फॉर्म क्या है इसका, इसका फुल फॉर्म क्या है, ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म? एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसको ईसीजी बोलते हैं. आपने देखा है पेशेंट आईसीयू में रहता है तो पीछे एक कंप्यूटर चलता रहता है, उसके ऊपर ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है ना, आवाज करते हुए, घंटी की जैसे आवाज करते हुए ग्राफ ऊपर नीचे होता है. सो दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, करेक्ट है? एम आई क्लियर? यस. अच्छा, लेकिन क्वेश्चन क्या है मालूम है, वो दिखाता क्या है वो ग्राफ जो है, वो जो कंप्यूटर में ग्राफ आता रहता है वो दिखाता क्या है, वो बोल क्या रहा है, उससे डॉक्टर को क्या समझ में आ रहा है? हार्ट बीट है ना, तो वो हार्ट बीट को ही दर्शा रहा है. तो लेट्स सी ये कैसे काम करता है. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कार्डियक साइकिल, एग्जैक्टली. तो लेट्स सी ये क्या काम करता है, ठीक है. पहले डेफिनेशन देखते हैं. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी, इसका मीनिंग क्या है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल. इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्डियक साइकिल और यू से हार्ट बीट. और यू से हार्ट बीट. सो इट इज द कार्डियकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्डियक साइकिल और हार्ट बीट. और यू से हार्ट साइकिल, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है. अच्छा, अब ये जो ऊपर नीचे हो रहा है, अब इससे जो ग्राफ हम निकालते हैं, प्रिंट निकालते हैं ग्राफ, रिमेंबर. तो एक क्वेश्चन पूछते हैं, द ग्राफ ओब्टेन्ड बाय ईसीजी, ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, रिमेंबर
ECG is called as electrocardiogram. तो थोड़ा सा फर्क है, ये है ग्राम और ये है ग्राफ. तो इंस्ट्रूमेंट का नाम हुआ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये इंस्ट्रूमेंट है, और इस इंस्ट्रूमेंट से जो ग्राफ मिलता है उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. एम आई